नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में एक बदमाश ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र का है। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर में मौजूद शिवलिंग को पत्थर मारकर तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसमें भी देखा जा सकता है कि किस तरह से नशेड़ी मंदिर के अंदर घुस रहा है और वो सबसे पहले मंदिर में मौजूद शिव भगवान के पोस्टर को फाड़ता है और उसके बाद शिवलिंग में तोड़फोड़ करता है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी गज्जू को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी शराब पीने का आदी है और घर की स्थिति पिछले काफी दिनों से ठीक ठाक नहीं चल रही थी, जिसके चलते वो भगवान से नाराज था और इसी के चलते उसने शराब पीने के बाद मंदिर में मौजूद भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। एक युवक रात्रि में करीब 4:30-5 के बीच में शीतला माता मंदिर अवकारी चौराहे नशे में धुत था और भगवान से कुछ नाराजगी जाहिर कर रहा था। मंदिर में जाकर पोस्टर फाड़ दिया, गमला फोड़ा और भगवान पे पत्थरबाजी कर रहा था। सर, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया इस पूरे घटनाक्रम में। हाँ, सीसी फुटेज अभी मिला नहीं है, फरियादी के पास है, मिल जाएगा। युवक क्या काम करता है और कहाँ का रहने वाला है? युवक भिखारी टाइप का दिख रहा है, नशे में धुत था। क्या नाम है इसका? उसका नाम है गज्जू, पिता भारत चौहान और निवासी है दिग्विजय नगर M72 बिदुर नगर के पास का रहने वाला है। आपका नाम? मेरा नाम ASI तुलसीराम रघुवंशी, थाना सेंटर कोतवाली इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।